हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 सोयल को रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सोयल के बारे में, सोयल के टाइप्स क्या होते हैं, सोयल के यूसेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, सोयल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि सोयल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो सोयल है ये प्लांट्स को मजबूती देती है। देखिए, जो सोयल है वो प्लांट्स की रूट्स को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, जिससे प्लांट्स मजबूती से खड़े रहते हैं। और सोयल से ही प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, यानी कि प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स सोयल से ही मिलता है। इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। सोयल यानी कि मिट्टी बहुत से ऑर्गेनिजम्स का होम है, यानी घर है, यानी कि मिट्टी में, सोयल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सोयल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सोयल यानी कि मिट्टी बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल, यानी कि एग्रीकल्चर से हमें खाना, कपड़े और शेल्टर मिलता है। सोयल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि सोयल हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है। इनसेपरेबल पार्ट मतलब सोयल हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट है जिसे हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, यानी कि हमारी लाइफ सोयल से जुड़ी हुई है और हम बहुत सी चीजों के लिए सोयल यानी मिट्टी पे डिपेंड करते हैं। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सोयल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। आपने फील किया होगा स्टूडेंट्स कि जब बारिश आती है तो उसके बाद मिट्टी की जो खुशबू होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। सोयल टीमिंग विद लाइफ, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो सॉयल है, जो मिट्टी है, वो जीवन से भरी हुई है, वो लाइफ से भरी हुई है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बुझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉयल, यानी कि बारिश के दिनों में एक दिन पहेली और बुझो ने देखा कि मिट्टी में से अर्थवॉर्म बाहर आ रहा था। पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन द सॉयल। तो पहेली को हैरानी हुई और उसने सोचा, क्या मिट्टी में और भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सॉयल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंट्स, चींटियां पाई जाती हैं, अर्थवर्म्स पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, फंगी पाई जाती हैं और बहुत से कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है, पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट दिस सॉयल, यानी कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक से बनी हुई चीजें मिट्टी को पोल्यूट करती हैं, मिट्टी को प्रदूषित करती हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉयल, यानी कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक से बनी हुई चीजें सॉयल में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मार भी देती हैं। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। इसीलिए पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को बैन करने की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। अदर सब्सटांसेस विच पोल्यूट द सॉयल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कि पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स के अलावा और ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि सोयल को पोल्यूट करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, ये सब भी सोयल को पोल्यूट करते हैं, यानी कि मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सोयल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सोयल में डालने से पहले वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल्स का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट करने का मतलब है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को पहले खत्म करना चाहिए और उसके बाद उन्हें सोयल में डालना चाहिए। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए क्योंकि पेस्टिसाइड भी सोयल को पोल्यूट करते हैं।
अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सोयल प्रोफाइल के बारे में। सोयल प्रोफाइल क्या होता है? जब आप जमीन खोदते हैं तो आपको सोयल की अलग अलग लेयर्स नजर आती है। आप जितना नीचे की तरफ जाएंगे आपको अलग अलग लेयर्स नजर आएंगी सोयल की। इन्हीं लेयर्स को सोयल प्रोफाइल कहा जाता है। सोयल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, यानी के सोयल में अलग अलग लेयर्स होती हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि सोयल की जो ये लेयर्स होती हैं ये अरेंज कैसे होती हैं। अब हम एक्टिविटी 9.2 पढ़ेंगे। टेक अ लिटिल सोयल, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए। ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट, और उसके बाद मिट्टी के जो क्लम्प्स होते हैं उन्हें तोड़कर पाउडर की शेप में ले आइए। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, अब एक ग्लास टम्बलर लीजिए। 3/4 फिल्ड विद वाटर, और उस ग्लास टम्बलर के 3/4 पार्ट को पानी से भर दीजिए। एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉयल टू इट, और अब एक मुट्ठी भर के मिट्टी इस टम्बलर में डाल दीजिए। स्टर इट वेल विद अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉयल, अब इसे अच्छे से हिलाइए ताकि जो मिट्टी है वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाए, घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अब आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ देर के बाद आप इस मिक्सचर को ऑब्जर्व कीजिए और जो क्वेश्चन सब हमसे पूछे जाएंगे हमें उनके आंसर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने एक ग्लास टम्बलर लिया और उसके 3/4 पार्ट को पानी से भर दिया और उसके अंदर हमने एक मुट्ठी भर के मिट्टी डाली। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर क्या नजर आता है? ह्यूमस। ह्यूमस टॉप मोस्ट लेयर होती है सोयल प्रोफाइल की। ह्यूमस क्या होता है स्टूडेंट्स? जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, वो ह्यूमस बनाते हैं। यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ एनिमल्स या कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जो मिट्टी में दब जाते हैं, और जो प्लांट्स की पत्तियां हैं या दूसरे प्लांट्स के पार्ट होते हैं जब वो मिट्टी में दब जाते हैं तो ये ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस टॉप मोस्ट लेयर होती है सोइल की। ह्यूमस के नीचे होता है वाटर, वाटर के नीचे होती है क्ले, क्ले चिपचिपी मिट्टी होती है, क्ले के नीचे होता है सैंड, और सैंड के नीचे होते हैं ग्रेवल, ग्रेवल यानी के कंकड़ पत्थर। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर, यानी कि इस ग्लास टम्बलर में क्या आपको अलग अलग लेयर्स नजर आती है पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें अलग अलग लेयर्स नजर आ रही हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स, इसके बाद हमसे इन लेयर्स का डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है, और उसके बाद हमसे कहा गया है आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, यानी कि क्या आपको कुछ पत्तियां और एनिमल रिमेन्स नजर आ रहे हैं पानी के ऊपर तैरते हुए। यहाँ पर हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये जो ह्यूमस होता है जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सोयल की, इसमें डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के। यहाँ पर हमसे कहा गया है द रोटिंग डेड मैटर इन द सोयल इज कॉल्ड ह्यूमस, यानी कि जो रोटिंग डेड मैटर होता है सोयल में, यानी कि डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है यू प्रोबेबली नो दैट द सोयल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी कि आप जानते होंगे कि जो मिट्टी है वो कैसे बनती है। मिट्टी बनती है पत्थरों के टूटने से, किसके द्वारा? विंड यानी हवा के द्वारा, वाटर यानी पानी के द्वारा, एंड क्लाइमेट के द्वारा। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, यानी कि विंड वाटर और क्लाइमेट के द्वारा पत्थरों को तोड़ के जो मिट्टी बनाने का ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉयल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, यानी कि सोयल की नेचर कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि किन पत्थरों से ये सोयल बनी है
और उस मिट्टी में किस तरह का वेजिटेशन होता है, यानी कि उस मिट्टी में किस तरह के प्लांट्स उगते हैं, इस पे भी सॉयल की नेचर डिपेंड करती है। इसके बाद हमें सॉयल प्रोफाइल की डेफिनेशन बताई गई है, जो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड द सॉयल प्रोफाइल। यानी कि जब आप जमीन को खोदते हैं तो आपको सॉयल यानी मिट्टी की अलग अलग लेयर्स नजर आती हैं, जिसे हम सॉयल प्रोफाइल कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया है, ईच लेयर डिफर्स इन फील टेक्सचर। यानी कि अगर आप अलग अलग लेयर्स की सॉयल को टच करके देखेंगे तो आपको हर लेयर की जो सॉयल होगी उसकी क्वालिटी डिफरेंट फील होगी। और इसके अलावा हर लेयर पे सॉयल का कलर भी अलग होता है, हर लेयर की डेप्थ भी अलग होती है, एंड केमिकल कॉम्पोजिशन भी, हर लेयर पे जो सॉयल होती है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग होते हैं। दीज लेयर्स आर रेफर टू एज होरिजोन्स, और इन लेयर्स को हम होरिजोन्स भी कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा आपको सॉयल प्रोफाइल को दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉयल की, उसको क्या कहा जाता है? ए होरिजोन। उसके नीचे वाली लेयर को क्या कहा जाता है? बी होरिजोन। उसके नीचे वाली लेयर को क्या कहा जाता है? सी होरिजोन। और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इसको कहा जाता है बेड रॉक। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉयल, नॉट द लेयर्स बिलो इट। यानी कि यूजली हम टॉप सरफेस देखते हैं सॉयल का, हमें नीचे की लेयर्स नजर नहीं आती है। इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ अ रिसेंटली डग डिच, वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉयल टू। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर कोई गड्ढा खोदा जाता है और आप उस गड्ढे में देखते हैं तो आपको इनर लेयर्स भी नजर आ सकती हैं सॉयल की। सच अ व्यू एनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉयल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। और अगर आप किसी गड्ढे में इनर लेयर्स देखते हैं सॉयल की, तो इससे आपको उस जगह की सॉयल प्रोफाइल के बारे में पता चलता है। सॉयल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। इसके अलावा आप सॉयल प्रोफाइल कहाँ देख सकते हैं, यानी सॉयल की डिफरेंट इनर लेयर्स कहाँ देख सकते हैं? जब एक कुएं को खोदा जाता है तब भी आप लेयर्स देख सकते हैं सॉयल की, और इसके अलावा जब बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन के लिए जमीन को खोदा जाता है तब भी आप सॉयल प्रोफाइल के लिए इनर लेयर्स को देख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ अ रोड ऑन अ हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक। इसके अलावा पहाड़ों पे जो रोड्स बनी होती हैं, माउंटेन्स पे जो रोड्स बनी होती हैं, आप वहाँ पर भी सॉयल प्रोफाइल देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं सॉयल की। और इसके अलावा नदी के किनारे भी आप ये सॉयल की लेयर्स देख सकते हैं। द अपर मोस्ट होरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो अपर मोस्ट लेयर होती है होरिजोन की, यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो जनरली डार्क होती है कलर में। ये डार्क इसलिए होती है क्योंकि ये ह्यूमस और मिनरल से भरी होती है। द ह्यूमस मेक्स द सोयल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो ह्यूमस होता है ये सॉयल को फर्टाइल बनाता है और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और जो ये अपर मोस्ट लेयर होती है सॉयल की, ये जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, यानी इसमें छेद होते हैं, और ये पानी को रिटेन करके रख सकती है, यानी पानी को होल्ड करके रख सकती है। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉयल और द ए होरिजोन। और सॉयल की अपर मोस्ट लेयर को टॉप सॉयल भी कहा जाता है या ए होरिजोन भी कहा जाता है। इसके बाद यह कहा गया है, दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वॉर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो टॉप सॉइल होती है, जिसे हम ए होरिजोन भी कहते हैं, ये शेल्टर प्रोवाइड कराता है, यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड कराता है वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़ों को, रोडेंट्स जैसे चूहों को, मोल्स यानी कि छछुंदर को, और बीटल्स को।
द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। यानी के जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनके रूट्स पूरी तरह से टॉप सॉइल यानी के ए होरिजोन में ही रहते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है बी होरिजोन के बारे में। द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब यह है कि जो ए होरिजोन के नीचे वाली लेयर होती है यानी कि बी होरिजोन, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी होरिजोन और द मिडल लेयर। ये लेयर जनरली हार्डर होती है और कॉम्पैक्ट होती है यानी कि टाइट होती है, और इस लेयर को हम बी होरिजोन भी कहते हैं और मिडल लेयर भी कहते हैं। इसके बाद हमें बताया गया है थर्ड लेयर यानी कि सी होरिजोन के बारे में। द थर्ड लेयर इज द सी होरिजोन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लंप्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। यानी कि थर्ड लेयर में, सी होरिजोन में, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनमें क्रैक्स होते हैं एंड क्रेविसेस यानी कि दरारें होती हैं। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। यानी कि सी होरिजोन के नीचे वाली जो लेयर होती है इसे बेड रॉक कहा जाता है, जिसे कुदाल या फावड़े की मदद से खोदना मुश्किल होता है क्योंकि बेड रॉक बहुत हार्ड होता है। अब हम पढ़ेंगे सोयल टाइप्स के बारे में, यानी सोयल कितने प्रकार की होती है। एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स रॉक का टूटना। तो हम जानते हैं कि जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है यानी पत्थर जब टूटते हैं तो इससे बहुत छोटे पार्टिकल्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले। यानी कि पत्थरों के टूटने से ही सैंड एंड क्ले बनते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सैंड में जो पार्टिकल्स होते हैं ये बड़े होते हैं साइज में, जबकि क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। यानी कि अगर कोई रॉक कम क्वांटिटी में टूटता है और उसके जो टुकड़े हैं वो ज्यादा छोटे नहीं होते हैं तो इससे सैंड बनती है, लेकिन अगर कोई रॉक बहुत ज्यादा टूटता है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तो उससे क्ले बनती है। यही यहां पर बताया गया है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट रॉक। यानी कि किसी पत्थर के टूटने पर सैंड बनेगी या क्ले बनेगी ये डिपेंड करता है कि वो पत्थर कितना टूटता है। अगर पत्थर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है तो क्ले बनेगी, और अगर ज्यादा छोटे पार्ट्स में नहीं टूटता, उसके पार्टिकल्स बड़े रहते हैं टूटने के बाद, तो इससे सैंड बनेगी। और जिस पत्थर के टूटने से सैंड या क्ले बनती है उस पत्थर को हम पेरेंट रॉक कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉयल। यानी कि रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस के मिक्सचर को हम सॉयल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉयल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स और अर्थवर्म, ये भी मिट्टी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। द सॉयल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। यानी कि सॉयल की टाइप क्या होगी ये डिपेंड करता है कि सॉयल के पार्टिकल्स का साइज क्या है। इफ सॉयल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉयल। यानी कि अगर सॉयल में बड़े पार्टिकल्स ज्यादा क्वांटिटी में हैं, तो ऐसी सॉइल को हम सैंडी सॉइल कहते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। और अगर सॉइल में फाइन पार्टिकल्स यानी कि छोटे पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो ऐसी सॉइल को हम क्लेई सॉइल कहते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है सॉइल में, इसका प्रभाव पड़ता है सॉइल की प्रॉपर्टीज पे। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। सैंड पार्टिकल्स साइज में बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो
देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, तो इनमें काफ़ी खाली जगह होती है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, और सैंड पार्टिकल्स में जो खाली जगह होती है वो हवा से भरी होती है। वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड। तो हम कह सकते हैं कि जो सैंड होती है ये वेल एरेटेड होती है, यानी हवा से भरी होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो सैंडी सॉइल होती है ये पानी को होल्ड नहीं कर पाती है। सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई। यानी कि जो सैंडी सॉइल होती है ये हल्की होती है, हवा से भरी होती है और ड्राई होती है, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती है। इसके बाद हमसे कहा गया है क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि क्ले सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं और इनमें हवा भी कम होती है। अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि क्ले सॉइल पानी को होल्ड करके रख सकती है। सो क्ले सॉइल्स हैव लेस एयर, यानी कि क्ले सॉइल में कम हवा होती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल्स। लेकिन क्ले सॉइल सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में हैवी होती है, क्योंकि सैंडी सॉइल पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती है, जबकि क्ले सॉइल पानी को होल्ड करके रख सकती है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लोमी सॉइल के बारे में। लोमी सॉइल का मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी, यानी कि फर्टाइल सॉइल। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। यानी कि प्लांट्स के ग्रो करने के लिए जो बेस्ट टॉप सॉइल होती है वो लोम होती है, जिसे लोमी सॉइल भी कहा जाता है। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि लोमी सॉइल मिक्सचर होता है सैंड का, क्ले का और सिल्ट का। सिल्ट भी सॉइल का एक टाइप होता है। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। जो सिल्ट होता है ये नदियों में पाया जाता है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स सिल्ट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो सैंड और क्ले के पार्टिकल्स के साइज के बीच का साइज होता है। यानी कि सिल्ट के पार्टिकल्स का साइज क्ले के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है और सैंड के पार्टिकल के साइज से छोटा होता है, इन दोनों के बीच में होता है। द लोमी सॉयल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट। यानी कि लोमी सॉयल में ह्यूमस भी होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि लोमी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, वो बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट होती है। क्योंकि जो सैंड सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को होल्ड नहीं कर पाते, और जो क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो जरूरत से ज्यादा पानी को होल्ड करते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन लोमी सॉइल के पार्टिकल्स बिल्कुल राइट क्वांटिटी में पानी को होल्ड करके रखते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। अब हम एक्टिविटी 9.3 देखेंगे। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। यानी कि यहां पर हमें सैंपल्स लेने के लिए कहा गया है क्ले सॉइल का, लोमी सॉइल का और सैंडी सॉइल का। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स। यानी कि अब इन तीनों सैंपल्स में से किसी एक सैंपल में से आप मुट्ठी भरकर मिट्टी ले लेंगे। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट। और फिर इसमें से कंकर, पत्थर और घास को आप बाहर निकाल देंगे। नाउ एड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। और फिर जो सॉइल आपने ली है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालेंगे और उस मिट्टी को गूंद देंगे, जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे इस मिट्टी को गूंद देंगे। एड जस्ट एनफ वाटर सो दैट अ बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट। यहां पर आपने ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपने इतना पानी डालना है कि उससे एक बॉल बन सके, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी। लेकिन पानी इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि वो मिट्टी आपके हाथों से चिपक जाए।
ट्राई टू मेक अ बोल फ्रॉम दिस सॉयल। अब इस मिट्टी से आप एक बोल बनाने के लिए ट्राई करेंगे। ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बोल इन टू अ सिलेंडर। फिर एक फ्लैट सरफेस पे आप इस बोल को रोल करेंगे और इसको सिलेंड्रिकल शेप में लाएंगे। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। और अब जो ये सिलेंड्रिकल शेप में मिट्टी है, अब आप इसको रिंग शेप में चेंज करने के लिए ट्राई करेंगे। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो। अब यही एक्टिविटी आप बाकी दो सैंपल्स के साथ भी ट्राई करेंगे। डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉयल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर किसी मिट्टी से अलग अलग शेप्स बनाई जा सकती हैं, तो इससे पता चलता है कि उस मिट्टी का टाइप कैसा है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लेई सॉयल अलग अलग शेप में इजीली चेंज की जा सकती है। क्लेई सॉयल शेप चेंज होने पर टूटती नहीं है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉयल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स टॉयज एंड स्टैचूज। यहाँ हमसे पूछा गया है कि पॉट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए और स्टैचूज बनाने के लिए किस टाइप की मिट्टी बेस्ट होती है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा क्लेई सॉयल। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।